महाराष्ट्र में याकूब मेमन की कब्र को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। मेमन की कब्र सजाने को लेकर भाजपा शिवसेना पर हमलावर नजर आ रही है। इस बीच विधान परिषद में विपक्ष के नेता और शिवसेना विधायक अंबादास दानवे ने पलटवार करते हुए भाजपा को सबसे बड़ा आतंकवादी करार दिया है। अंबादास दानवे ने कहा कि याकूब को लेकर शिवसेना पर आरोप लगाना भाजपा की नादानी है। याकूब को 2015 में फांसी दी गई थी। इस आतंकवादी के शव को परिवार वालों को नहीं सौंपना चाहिए था। हजारों लोग याकूब की अंतिम यात्रा में शामिल हुए थे। उसकी कब्र पर मार्बल लगाए गए, एलईडी लाइट लगाई गई। जहां याकूब की कब्र है उसकी क्षेत्र की नगर सेविका भाजपा की रीटा मकवाना है। मुंबई बॉम्ब स्फोट के दोषी याकूब मेमन के कब्र के मामले को लेकर उप मुख्यमंत्री फडणवीस ने जांच के आदेश दे दिए हैं। जांच के लिए एक समिति भी गठित कर दी गई है। ये जानकारी सुधीर मुनगंटीवार ने दी है। मेट्रो मुंबई के लिए राजेश सोनी की रिपोर्ट।